आज मैं आपके सामने कपड़े की जैकेट बनाना सिखा रही हूँ। इसकी लेंथ हमने जो है वो लेनी है 14। लेंथ कितनी लेनी है? 14 प्लस इसमें कितना करना है, जैसे जो हमने मार्जिन रखना है वो प्लस एक रख लिया, मतलब 15 लेनी है हमने। और छाती की लंबाई 32 है, कमर जो है वो 28 है, और हिप जो है 36 है। ये हमने ये कपड़ा लिया है वाइट कपड़ा, इसके वाइट कपड़े की जैकेट बनानी है हमने, वाइट कपड़े की। इसकी हमने सबसे पहले लेंथ देखनी है, कितनी लेंथ है, 15, मतलब काफ़ी है हमारे पास, तो हमने इस तरह से लेना है, इस तरह से बराबर कपड़ा, और सीधी साइड अंदर को उल्टी साइड से हमने निशान लगाना है। ये हमने कपड़ा लिया, इसकी लेंथ हमने देखनी है पहले। ये हमने ली है 15। पहले इस कपड़े को सीधा कर लेते हैं। हमने सीधा कर दिया और फिर यहाँ से 15 लिया। ये थोड़ा सा इसमें रुकवा रहा है, पुट्टी की सहायता से भी हम इसे सीधा कपड़ा कर सकते हैं, पर जब हम डेली कटिंग करते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कहाँ जैसे हमारा कपड़ा सीधा होगा। ये हमने यहाँ पर 15 आया, 15, और हमने कपड़ा रख दिया ऐसे 15। लेंथ रखी हमने 15। कपड़ा अच्छी तरह से बिछाना चाहिए हमारा। यहाँ भी हमने पूरा 15 रखा और इधर भी 15। अब हमने हिप प्लस 2 लेना, हिप 36 है ना, तो इसका हो गया 9 प्लस 4, 36 9 प्लस 4, मतलब मल्टीप्लाई ये हो गया 36। तो हमने ये जो है 36, तो इसमें प्लस 2 करना 9 में, तो प्लस 2 तो हो गया 9 प्लस 2 11, तो हमने इसमें 11 इंच लेना है चौड़ाई में। कितना लेना है? 11 इंच चौड़ाई में। ये हो गया हमारे इधर 11 इंच यहाँ से, यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमने काट देना है। ग्यारह इंच से हमने इसको एक्स्ट्रा ऐसे करना है। अब देखना हमने भी 11 इंच चौड़ाई में है। आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते इसमें, जैसे मैंने इसमें 10.5 ही लिया। दो इंच का मार्जिन ना लेना हो, 1.5 इंच का मार्जिन भी काफ़ी रहता है। 1.5 इंच, 10.5, कम कपड़े में भी बन जाता है। अब हमने इसमें तीरा रखना है 7 इंच, 14 इंच तीरा है ना, और 7 इंच यहीं से, यहाँ से भी 7 इंच। जैसे हमारी छाती चेस्ट जो है 32 है, तो हमने इसमें प्लस कितना करना है? प्लस आधा इंच एक्स्ट्रा कर लेना है। जैसे अगर 8 चौके 32 होता है ना, 8 चौके 1/4 हिस्सा लेना ना छाती का, 8 चौके 32 होता है, तो 8 में प्लस आधा इंच करना है, तो कितना हो गया? 8.5। तो हमने यहाँ से कितना लेना है? 8.5 लेना है। ये 8.5 ये हमें हमारी सिलाई की होगी, यहाँ सिलाई का निशान हो गया। और यहाँ से कितना लेना है? 7.5 जितना लेना आपने।
नहीं नहीं 7.5 लिया, ये जो एक्स्ट्रा ये जो है अंदर जाएगा अंदर को, और यहाँ से 1 इंच की गुलाई दी, 1 इंच की गुलाई। हम जैकेट बना रहे हैं तो 3 ढाई जितना भी अपनी इच्छा है, मैंने 3 रख दिया, इसमें 2.5 भी सही आ जाएगा और 3 में भी सही आएगी। गले के लिए काटा है 1/2 इंच, और यहाँ से 1 इंच अंदर को लिया, जो हमारा फ्रंट है उसके लिए यहाँ से 1 इंच की गुलाई, इससे हमारी फिटिंग सही आती है 1 इंच की गुलाई। अब हमने जो कमर ली है, कमर है 28 है ना कमर 28, तो हमने इसमें लिखना है 7 28 है ना, तो 7 चौके 28, 7 चौथा हिस्सा है ना, तो 7 बार हमने यहाँ पर निशान लगा, ये निशान जो हमारा सिलाई का निशान आ गया, ये सिलाई का निशान आ गया, और जिसमें इसमें जो एक्स्ट्रा है ना कपड़ा, वो हमने काट देना है 1.5 यहाँ से 2 इंच का। अब इसे काटना है, काटने से पहले जो काट लिया पहले, तो एक्स्ट्रा कपड़ा काट दिया, यहाँ से गला काटा, बैक, ये हमने जैकेट काट दी। आप इसे डबल भी कर सकते, इसके अंदर और इसी साइज का दूसरा कपड़ा लगा सकते हैं, दोनों साइड से डाल सकते हैं आप इस जैकेट को। अब इसमें जो है पहले 1/2 इंच की, यहाँ पर हम 1/2 इंच की कटिंग करना भूल गए ना, ये 1/2 इंच की दूसरी साइड भी इसका निशान लगा दिया इसी को ऐसे, ये जो हमारा ये जो है ये बैक है, बैक। अब हमने फ्रंट में जो गोलाई लानी है आगे जैकेट की गोलाई, यहाँ से गला 6 इंच का, और यहाँ से भी 2.5 जितना रखा है, गोलाई 1 इंच की गोलाई, और ये 7 इंच 1 इंच की गोलाई, ये अंदर की गोलाई दी है, ये हमने गला काटा इसका, यहाँ पर हमने गोलाई दे लिया 3 इंच यहाँ से रखा और 3 इंच यहाँ से, 1 इंच ये गोलाई देनी है हमने ऐसे, जैकेट की गोलाई, ये हमारा फ्रंट बन गया, ये देखो ये हमारा फ्रंट, ये जैकेट हमारी कटिंग हो गई। अब इसी की तरह हम दूसरा पार्ट भी काटेंगे और हमारी जैकेट तैयार हो जाएगी, इसे मैं आपको सिलना सिखाऊंगी तब।